ये तस्वीरें आप भगवती नगर से देख रहे हैं और बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी यहां पर पहुंचे हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल जो डीआरडीओ द्वारा बनकर कुछ ही दिनों में सौंप दिया जाएगा। और आप ये तस्वीरें देखिए कि डीआरडीओ मींस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और रविंद्र रैना जी यहाँ पहुंचे हैं। बहुत जल्द ये जो यहाँ पर तैयारियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। एडीसी घनश्याम जी यहाँ मौजूद हैं, जायज़ा रविंद्र रैना जी द्वारा लिया जा रहा है। 500 बेडेड हॉस्पिटल कुछ ही दिनों में यहाँ पर जनता के लिए सौंप दिया जाएगा और चंद्रमन गुप्ता जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं बाहु एसएस के माध्यम से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ डीआरडीओ के बारे में बताऊं आपको कि भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है ये संगठन। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में काम करता है। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये विजुअल्स आप देखिए, आप तस्वीरें देखिए, और बहुत जल्द जो है ये बनकर बिल्कुल सौंप दिया जाएगा आम जनता को। आप देख सकते हैं कि पूरा मुआयना जो है वो किया जा रहा है। 3-4 दिनों के अंदर ये हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और रविंद्र रैना जी साथ में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमन गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं, एडीसी घनश्याम सिंह जी यहाँ मौजूद हैं और पूरा मुआयना किया जा रहा है बारीकी से जो है वो। हालांकि फुली सेंट्रली एसी है, फुली सेंट्रली एसी है, काम जो है वो बहुत स्पीड से यहाँ पर आप देखिए देखने को मिल रहा है और बहुत जल्द इसका उद्घाटन होगा। ये विजुअल्स आप लाइव देख रहे हैं भगवती नगर से, डीआरडीओ द्वारा जो 500 बेडेड हॉस्पिटल को तैयार कर सौंप दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ों को आप देखिए, ये वो ऑक्सीजन को लेकर जो आप देखिए फिटेड है, और ये आप देखिए O2, आप देखिए O2 ये बताया जा रहा है। और हर किस्म की सुविधा जो है वो यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी। सेंट्रल एसी की बात की जाए और साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का जो बाहर वो भी लगाया जाएगा। जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसका मुआयना आज किया जा रहा है। और आप खुद देखिए डीआरडीओ ऑफिसर जम्मू से कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमन गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी यहाँ मौजूद हैं और एडीसी घनश्याम सिंह जी यहाँ मौजूद हैं।
और हर एक चीज़ का बारीकी से जायज़ा लिया जा रहा है। तो ये इस हॉस्पिटल का जितना जल्दी निर्माण हो जाएगा वो उससे क्या होगा कि लोगों को ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होंगी। आपने एक बहुत बढ़िया काम, वेंटिलेटर भी आ गए, यहाँ आ चुके हमारे सभी वेंटिलेटर्स पहुँच गए हैं, क्या बात है, सब ग्रेट, सारा सामान पूरा ग्राउंड। चलिए बहुत अच्छा, ये रक्षा भारत सरकार ने और आप सब ने बहुत मेहनत की। अभी रविंद्र जी आज दूसरी बार आप यहाँ टहल आए हैं डीआरडीओ का, रविंदर जी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए मुआयना किया जा रहा है। रविंदर राणा जी यहाँ मौजूद हैं और मुआयना किया जा रहा है हर एक चीज़ का बारीकी से। और आप देखिए चंद्रमन गुप्ता जी मेयर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो यहाँ मौजूद हैं, साथ ही साथ एडीसी घनश्याम सिंह जी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और हर एक चीज़ की बारीकी से आप देखिए जायज़ा लिया जा रहा है। और बहुत जल्द तमाम सुविधाओं के साथ यहाँ पर आम जनता की सुविधाओं के लिए जो है वो ये बनकर तैयार हो जाएगा। और तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर आज मुआयना करने आए हैं और एक एक चीज़ का बारीकी से। तो महज नींव रखा गया था और आज जिस तरह से तुम देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितनी जल्दी ये बनाकर तैयार किया गया है, युद्ध स्तर पर काम किया गया है और क्या कुछ सहूलियत जनता को इस कोविड से निपटने के लिए। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक एग्जाम्पलरी कोशिश का नतीजा है कि जम्मू में DRDO हॉस्पिटल बड़ी तेजी से बन रहा है। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 500 बेडेड हॉस्पिटल्स 10 दिन के अंदर बनाकर इसको तैयार कर दिया गया और अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर शायद 27 या 28 मई के आसपास DRDO का जम्मू के भगवती नगर में बन रहे इस हॉस्पिटल जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के तत्वाधान में बनाया जा रहा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है 28 और 30 के बीच का ये जो पीरियड है, अगर भगवान की कृपा रही, माँ भगवती का आशीर्वाद रहा, तो ये हॉस्पिटल यहाँ अपना काम शुरू कर देगा। रिकॉर्ड टाइम में ये हॉस्पिटल बना है। हमने देखा कि जब चाइना में वुहान के अंदर कोरोना वायरस की जब पहली लहर वहाँ उठी थी, चीन के अंदर भी बड़ी तेजी से हॉस्पिटल बनाए गए थे, लेकिन शायद चीन में भी 10 दिन के अंदर कोई हॉस्पिटल बन के नहीं तैयार किया गया होगा। लेकिन भारत देश में रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हमारे DRDO जो रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है, जिनका विशेष कार्य होता है मिसाइल्स बनाना, जेट फाइटर्स का निर्माण करना, उन्होंने जैसे कोरोना के अगेंस्ट मेडिसिन भी तैयार की है DRDO ने, जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह साहब ने किया, उसी प्रकार पूरे देश भर में DRDO इस मुश्किल तरीन हालात में भी जबरदस्त काम कर रहा है। और युद्ध स्तर पर जम्मू के अंदर DRDO के अधिकारियों ने, इनके जो टेक्निकल विंग है, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, इनके जो इंचार्जेस हैं, इन हॉस्पिटल की काम की देखरेख करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने दिन रात एक करके 10 दिन के अंदर एक
बहुत बड़ा कोविड केयर हॉस्पिटल उसका निर्माण किया है। कल रात भारी तूफान की वजह से, क्योंकि इसका निर्माण कार्य चल रहा है, भारी तूफान ने इस डीआरडीओ के हॉस्पिटल में मामूली सा थोड़ा नुकसान आया है, उसको भी आज सुबह से रिपेयर किया जा रहा है। क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सारी चीज़ें, और जब हवा का तेज प्रवाह इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है और निर्माणाधीन बिल्डिंग्स में, तो थोड़ा डैमेज हुआ है, उसको आज हमारे अधिकारियों ने ठीक कर लिया है। कुछ सामान जो बाकी की सामान की व्यवस्था दिल्ली से की जा रही है। मैं डीआरडीओ के तमाम अधिकारियों को, जो सारी इस जम्मू के कोविड केयर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में सारी देख रेख कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरी पूरी रात और पूरा पूरा दिन लगाकर हमारे लोगों की चिंता के लिए, उनके उपचार के लिए इतने बड़े हॉस्पिटल का यहाँ निर्माण कर रहे हैं। 500 बेड हॉस्पिटल जम्मू और 500 बेड हॉस्पिटल कश्मीर में, ये जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, तो इस कोविड की लड़ाई में, इस महामारी की लड़ाई में अब आगे हमें लड़ने के लिए कितना सहायक सिद्ध होंगे ये इंस्टीट्यूशन। हालांकि मैंने पहले कहा कि डीआरडीओ जैसी संस्थाओं का अलग एक विशेष कार्य होता है, हम सब जानते हैं। डिफेंस का ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब देश के ऊपर आपत्ति काल आया, एक प्रकार के युद्ध जैसी स्थिति है, आप देख रहे हैं, भारतीय सेना हो, इंडियन एयरफोर्स हो, या हमारी इंडियन नेवी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त इस कोरोना पेंडेमिक से युद्ध की तरह लड़ रही है। सबका प्रयास है कि इंसान की जिंदगियां बचाई जा सके। हमारे जम्मू में केवल एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो प्रॉपरली फंक्शन करता था, लेकिन हमने देखा कि शुरू में जरूर हड़कंप मचा, लेकिन उसके तुरंत बाद अब रजौरी मेडिकल कॉलेज ने फंक्शन करना शुरू कर दिया, सांबा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने काम करना शुरू कर दिया, वहीं उधमपुर हो, कठुआ हो, डोडा हो, यहाँ के मेडिकल कॉलेज और तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ कहीं कोई कमी पेशी है उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, जहाँ कोरोना वायरस ने अपना वेरिएंट बदला है, रंग ढंग उसने अब उसमें बदलाव किया है, ये घातक स्ट्रेन है, इसलिए इस कोरोना वायरस को हराना बहुत लाजमी है, जरूरी है। यहाँ डीआरडीओ के इस हॉस्पिटल के निर्माण होने से जम्मू में और एक कश्मीर के श्रीनगर में भी बहुत लाभ होगा। फुल्ली ऑक्सीजन सपोर्टेड हाई फ्लो ऑक्सीजन, वो सारी अरेंजमेंट्स मैनेजमेंट्स इस कोविड केयर हॉस्पिटल्स के अंदर होगी, इससे आम जनमानस को, लोगों को लाभ होगा। वहीं माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा हर पंचायत स्तर पर, हर पंचायत लेवल पर इस वक्त कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। हर पंचायत में 5-बेडेड कोविड केयर सेंटर्स, जिसमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होगी, एक प्रकार से ये वेलनेस सेंटर्स हैं। इनसे भी हम जनता से आह्वान करते हैं, खासकर जो सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी और डीडीसी के मेंबर्स हैं, कि इन केंद्रों को सुचारू ढंग से चलाएं। और वहीं जनता से भी निवेदन करते हैं, बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, क्योंकि कोरोना वायरस इस महामारी के चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसा हमने प्रधानमंत्री ने कहा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, साबुन का बार बार इस्तेमाल करना, भीड़ भाड़ के क्षेत्र में नहीं जाना, बहुत जरूरी हो तो घर का कोई सदस्य घर से बाहर निकले, किसी भी परिस्थिति में
घर के बुजुर्ग बच्चे और महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, सावधानी में ही बचाव। जी लगातार प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल सामने दिख रही है, लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत है स्लॉट बुक्स को लेकर। उनको समय का नहीं मालूम कि 8:30 से 9 बजे तक का जो समय है, चाहे रात को हो चाहे सुबह हो, वो स्लॉट सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट के लिए खुलते हैं और बुक हो जाते हैं। उन लोगों को बहुत परेशानी आ रही समय वैक्सीन को लेकर, इसको लेकर क्या विचार है? अभी तक हमारे देश में 20 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड लोग आज भारत में हैं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, डिमांड भी बहुत ज्यादा है वैक्सीन की, डिमांड बहुत ज्यादा है। और लगातार चाहे कोविशील्ड जो वैक्सीन हो या कोवैक्सीन हो, उसका निर्माण दोनों कंपनीज बड़े पैमाने पर कर रही हैं। वहीं भारत ने स्पुतनिक जो वैक्सीन रशिया से भी खरीदी है। पूरा प्रयास हो रहा है कि भारत देश में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे। वहीं DRDO ने मेडिसिन भी तैयार की है, उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे। लेकिन चूंकि डील किया गया, उसके बाद बाकी लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई, आज इस कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा भारत जंग लड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब यहाँ जरूरतमंद लोगों के लिए दिन रात ब्लड डोनेट किया गया, 300 यूनिट से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट किया गया, राशन किट्स, बना हुआ भोजन, सैनिटाइजर्स, मास्क गांव गांव में और शहर शहर की गलियों में, वार्डों में, बस्तियों में पहुंचाए जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी हम नहीं रहने देंगे। सभी ज़रूरतें जो इस वक्त इस मुश्किल हालात में हैं, उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मेरा निवेदन है सभी जम्मू कश्मीर की जनता से, अपने देशवासियों से, कि सावधानी में ही बचाव है, हमको अपने आप को बचाना है, इस कोरोना वायरस के चेन को तोड़ना है, इस महामारी से हमको बचना है। अभी इस कोरोना वायरस COVID-19 के साथ साथ ब्लैक फंगस जी ने भी दस्तक दी है, वो भी बड़ा एक चिंताजनक विषय है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर एक होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो आह्वान किया है, उसको मानते हुए इस कोरोना वायरस को हराएंगे, भारत जीतेगा, इंसान की जिंदगियां बचेंगी, फिर से इस दुनिया के अंदर खुशहाली होगी, लोग सुख चैन से अपनी सांस लेंगे, यह महामारी समाप्त होगी। लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को अपना कंट्रीब्यूशन करना है, हर व्यक्ति को सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, किसी सूरत में भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय युद्ध जैसे हालात हैं। तभी तो DRDO जैसी संस्था भी, जिसका काम है मिसाइल्स बनाना, रॉकेट्स बनाना, जेट फाइटर्स तेजस जैसे विमान बनाना, पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें बनाना, वो DRDO रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की दिन रात पूरे देश के अंदर इस प्रकार के सैकड़ों की तादाद में हॉस्पिटल्स का निर्माण हो रहा है। एक लंबी लड़ाई की तैयारी है, क्योंकि इसके बाद भी तीसरी वेव का भी खतरा है, उसके बाद भी इस कोरोना वायरस का क्या रंग होगा, क्या रूप होगा, क्योंकि इसकी अभी कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है, इस पर स्टडीज जारी हैं। इसलिए सबको मिलकर एक होकर सावधानियां बरत के इस कोरोना वायरस महामारी को हमने हराना है। मैं हृदय की गहराई से DRDO के अधिकारियों का, DRDO के टेक्निकल ऑफिशल्स और एडमिनिस्ट्रेशन विंग के जितने भी यहाँ अधिकारी हैं, जो जम्मू में और श्रीनगर में दिन रात लगाकर जो पिछले 10 दिन से सोए नहीं हैं, और जिनकी मेहनत का परिणाम है इतना बड़ा हॉस्पिटल जम्मू के अंदर तैयार हुआ, मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको साधुवाद देता हूँ कि आपने
राष्ट्र हित में, देश हित में अतुलनीय कार्य किया है। बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र रंजन ने साफ तौर पे कहा कि देखिए अंदर हम आपको बताते कि रविंद्र रंजन ने साफ तौर पे कहा कि सहयोग की जरूरत है और साथ की जरूरत है, आम जनता को भी सहयोग करना है। इस महामारी को जो है आपने इस तरीके से लाइटली नहीं लेना। और आप तस्वीरें आप देखिए, ये किस तरीके से ये वो मेहनती लोग हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, और ये मेहनत जो है वो साफ तौर पर नजर आएगी। और जल्द ही ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा। ये जितने लोग अंदर हैं इनकी एक एक मेहनत का नतीजा है कि इतनी जल्दी ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है, जो कि जल्द कुछ ही दिनों में ये आम जनता को सौंप दिया जाएगा। और हालांकि जिस तरीके से रविंद्र नाथ जी ने कहा कि अकेले किसी सरकार की अगर बात की जाए, अकेले कुछ भी नहीं हो सकता, लोगों के साथ की जो है बहुत ज़रूरी है। और सभी से ये आह्वान भी किया कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना को लाइटली ले ही लीजिए। जल्द ये बनकर आम जनता के लिए तैयार हो जाएगा। 500 बेडेड है, फुली एसी है, हर किस्म की सुविधा इस जो हॉस्पिटल में है वो मिलेगी। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि शायद 26 या 28 के बीच बीच में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी आकर यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, वो दिन दूर नहीं कि ये कंप्लीट होकर जल्द से जल्द जो है आम जनता को सौंप दिया जाएगा। बाकी अपडेट्स भी जुड़े बस के साथ, शाम जी साहब राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।